रीवा में चुनावी रंजिश के चलते सड़क खोदने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि बधरा वासियों के द्वारा तहसीलदार से शिकायत करने और आक्रोश जताने के बाद प्रशासन हरकत में आया है। तहसीलदार के निर्देश पर हल्का पटवारी मौके पर पहुंचे और खोदी गई सड़क का मुआयना किया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि सार्वजनिक मार्ग का इस्तेमाल बीते 2 दशक से कर रहे थे। पूर्व में तत्कालीन सरपंच के द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से मिट्टी भी इस सड़क को समतल करने में डलवाई गई थी। ग्रामीणों के बयान और मौका मुआयना के बाद हल्का पटवारी ने अपना प्रतिवेदन तैयार किया है। सड़क खोदने वाले गुनहगार विजय मिश्रा व राकेश मिश्रा को नोटिस भी जारी की गई है। वहीं शिकायत के बाद विजय मिश्रा व राकेश मिश्रा ने मारपीट भी की, जहां घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। पीड़ितों ने बताया कि सरपंची हारने के बाद इस मार्ग को खुदवा दिया गया है, जिसके चलते सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बधरा टोला, जो एक ऐसा गाँव है जहाँ हल्की फुल्की बारिश होने पर ही आवागमन बाधित हो जाता है। इस बधरा परिहारन टोला के रहवासी बताते हैं कि बरसात में यदि कोई बीमार पड़ जाए तो कीचड़ से सने रास्ते भी निकलना मुश्किल हो जाता है और अब कच्ची सड़क भी गहराई तक खोद दी गई है। ऐसे में बारिश में लोगों को खेतों के बीच से ही गुजरना पड़ेगा। सरपंच ने बताया कि बधरा परिहारन टोला तक पहुंचने का पक्का मार्ग नहीं बन सका है, जिसके लिए प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में कलेक्टर विधायक से भी मिलकर बधरा वासियों की पीड़ा से अवगत कराया जाएगा। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर भी शिकायत दर्ज कराई है। आइए दिखाते हैं पूरा मामला क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज। मेरे गांव में एक विवाद हुआ था चुनावी रंजिश के चलते। गांव के विजय मिश्रा, राकेश मिश्रा और उसके सहयोगी प्रदुम पांडे वगैरह रोड खन लिए। कहाँ से की घटना है, कौन? ये बधरा परवान टोला, थाना सिमरिया, जिला रीवा। क्या घटना हुई थी? हम चुनाव जीतने के बाद ये लोग रंजिशन पड़े तो परवान टोला 1000 की आबादी वाला गांव है, वहां का रोड खन के अवरुद्ध कर दिए। करीब 20 साल पहले की रोड बनी थी। हमारे पिताजी पहले सरपंच थे पूर्व में, उन्होंने रोड डलवाई थी गांव के वालों के सबके सहयोग से। ये चुनाव हारने के बाद रोड खन लिए। यही रंजिश चलती रही। हम लोगों ने इनके खिलाफ़ आवेदन दिया तहसील में जाके। तहसीलदार साहब ने इनको नोटिस दिया और इनसे जवाब मांगा 22 तारीख का, यही 22 जुलाई को। ये जवाब के पहले सोचे कि कुछ घटना हो जाए, इसलिए इन लोगों ने उसी रंजिश के चलते, हम कल घर में नहीं थे, कल दिनांक 22 थी, 22 तारीख को सुबह 7 बजे घर से निकल आए थे। हमारे पास राम अवतार प्रजापति थे, आदरणीय सिमरिया विधायक जी के यहाँ हम बैठे थे। वहाँ से हमारे फ़ोन पे फ़ोन आया कि यहाँ पर भी बात कर दिए ये लोग, प्रद्युम्न पांडे, पुष्पेंद्र पांडे, पिता हरिवंश पांडे, पुष्पराज पांडे, अच्छे लाल पांडे और फतेन्द्र पांडे। ये हम लोगों के घर वालों के साथ मारपीट की। हम लोग थाने गए, जब यहाँ से फ़ोन आया तो हम डायरेक्ट थाने गए, घर में थे ही नहीं। ये लोग हमारा भी नाम उसमें शायद FIR में जुड़वा दिए, इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारा FIR से नाम कटवा के और हमारे साथ न्याय किया जाए। जो दोषी है ठीक है, उसके साथ कार्रवाई की जाए। क्या नाम है आपका? अनूप कुमार पांडे, मैं बधरा ग्राम पंचायत का सरपंच हूँ, नवनिर्वाचित सरपंच।